हेलो मित्रों, छात्रगण, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा मैं पहले बताया था कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा इस व्हाइट बोर्ड पे, आपको पुनः उसे ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन क्लास में आपको नोट्स दिखाया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछले क्लास में मैं भारत का भौगोलिक परिचय, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया को मैंने एक घंटे लेक्चर दिया था और बोला था आपको कि केवल आपको समझना है, जो बताई जाएगी उसको नोट्स नेक्स्ट क्लास में लिखाई जाएगी। आज बारी है इस ऑनलाइन क्लास का फर्स्ट चैप्टर का नोट्स लिखने का, और वह चैप्टर है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत एक भौगोलिक परिचय, और ऑनलाइन क्लास का ये पहला नोट्स आपको लिखाया जा रहा है। आपको नोट्स वही लिखाई जाएगी जो जस्ट इससे पहले आपको लेक्चर दी गई थी। तो छात्रों, आप कॉपी पेन तैयार कर लें आप, और आप नोट्स लिखना प्रारंभ करें एकदम उसी तरह जैसे ऑफलाइन क्लास में लेक्चर के बाद नोट्स लिखाई जाती थी। आप लोग रेडी हैं? चलिए, ओके। चैप्टर का नाम होगा ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक परिचय। लिख लिया आपने? तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है इस चैप्टर का, आप नोट्स लिखना शुरू करिए। भारत एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत एशिया महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है, जिसे प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जिसे प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उसी में लिखिएगा, क्योंकि भारत के तीन ओर अर्थात वेस्ट, ईस्ट और साउथ जल से घिरा है। भारत के वेस्ट, ईस्ट और साउथ जल से घिरा है, और नॉर्थ भाग स्थल से घिरा है, और नॉर्थ भाग स्थल से घिरा है, इसीलिए भारत एक प्रायद्वीप वाला देश है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, भारत नेक्स्ट पॉइंट में है। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% एरिया अपने में समाहित किए हुए हैं, अर्थात भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, दैट मीन्स स्क्वायर किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसी में लिखिएगा, जिसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर
जबकि पश्चिम से पूरब इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, जब भी हम बोलेंगे आपको नेक्स्ट पॉइंट, तो आप अपने नोट्स नोटबुक में ऐसा कीजिएगा इस प्रकार, जैसे मैं बोलूंगा नेक्स्ट पॉइंट, आप ऐसा एरो डालिएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु, दैट मींस नॉर्थ स्टेट का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी राज्य का उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, जबकि भारत के दक्षिणी बिंदु जो तमिलनाडु में स्थित है उसका नाम है कन्याकुमारी, एवं पश्चिमी राज्य गुजरात का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम है, यहां बता दें आपको तीन चार नाम है, लेकिन मुख्य नाम अगर आएगा तो वो है गौर माता, लेकिन कभी कभार ऑप्शन द्वारका, भोज, सरक्रिक भी है, जबकि उसी पॉइंट में लिख रहे हैं आप लोग, जबकि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में है वह है किवी थू, अर्थात सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, पश्चिमी बिंदु गौर माता और पूर्वी बिंदु किवी थू। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, भारत, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखिए आप लोग, भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है। कितना बड़ा देश है? सातवां। भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है, अर्थात विश्व में मात्र छह ही देश इससे बड़े हैं, मात्र छह ही देश इससे बड़े हैं, और भारत के सात स्थलीय पड़ोसी देश हैं। मैंने बताया था आपको कल कि भारत के कितने स्थलीय पड़ोसी हैं, तो सात हैं। कितने हैं? सात, और वह सात है बांग्लादेश, देखिए ब्रैकेट में यह डैश देखिए, 4096 किलोमीटर, इतनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लाइन है। नेक्स्ट, उसी में चल रहा है अभी, बांग्लादेश, चीन 3917 किलोमीटर, इतनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लाइन है। पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार
1641 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर। लिख लिया आपने? आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको लिखना नोट्स में नहीं है, ये बात बता दें कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लाइन इंडिया के साथ बांग्लादेश का है, फिर चीन का है, फिर पाकिस्तान का है, फिर नेपाल का है, फिर म्यांमार का है, फिर भूटान का और फिर अफगानिस्तान का है। ये बातें मैंने आपको कल भी बताई थी। लिख लिया आपने इसे? नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देशों के अलावा, भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देशों के अलावा 2 जलीय पड़ोसी देश भी हैं। दैट मीन्स सी नाइबर्स कंट्री, और वह जलीय पड़ोसी देश है श्रीलंका और मालदीव। ये हमारा जलीय पड़ोसी देश है और ये हमारा स्थलीय पड़ोसी देश है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देशों में से, नेक्स्ट पॉइंट में है, भारत के 7 स्थलीय पड़ोसी देशों में से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है जिसकी लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है, मात्र 106 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के साथ लगने वाले, नेक्स्ट पॉइंट में है, भारत के साथ लगने वाले 7 स्थलीय पड़ोसी देशों में से बांग्लादेश, पाकिस्तान, और म्यांमार, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा रहे थे आपको, भारत के साथ लगने वाले 7 स्थलीय पड़ोसी देशों में से बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार, ये 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिसकी सीमा जल के साथ भी लगती है, मतलब सी नाइबरिंग कंट्री भी है। तो हम यह कह सकते हैं कि भारत के जलीय पड़ोसी देश कुल 5 हुए। तो हम यह कह सकते हैं भारत के कुल जलीय पड़ोसी देश 5 हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव भी हैं। उसी में लिखिएगा, परंतु केवल जलीय, पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है।
श्रीलंका और मालदीव है, लिख लिया आपने। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग। बांग्लादेश के साथ, नेक्स्ट पॉइंट में है, बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं, बांग्लादेश की सीमा के साथ छूते हैं। इसका एक ट्रिक है, BAM मत। ये सारा ट्रिक मैंने एक पुस्तक लिखी है जो राज पब्लिकेशन न्यू दिल्ली से प्रकाशित है, जिसकी हजारों प्रतियां बिक चुकी है। उस पुस्तक में भी ये मैंने सारा ट्रिक दे रखा है। पुस्तक है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मैं खुद इसका राइटर हूं और ये प्रकाशित है राज पब्लिकेशन, अंसारी रोड, दरियागंज, न्यू दिल्ली से। इस पुस्तक में मैंने सारा ट्रिक को भी मैंने इसमें समाया है। जो मैं ट्रिक लिखूंगा इस बुक में भी वो सारा ट्रिक अवेलेबल है। किताब का नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो हर एक काउंटर पे गुरुकुल बिग डिपो में भी और मार्केट के अनेक काउंटर पर भी उपलब्ध है। तो मैं बता रहा था आपको, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। उसी में लिखिएगा आप लोग, उसी पॉइंट में, त्रिपुरा ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है, ऐसे में त्रिपुरा और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री रेखा को शून्य रेखा, 0 डिग्री रेखा के नाम से जाना जाता है। उसमें लिखिएगा, अब पॉइंट चेंज मत कीजिएगा। चीन के साथ, नेक्स्ट पॉइंट में है, चीन के साथ भारत की सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, किस सीमा लगती है या छूती है, लिख लिया आपने। इस सीमा रेखा को मैक मोहन लाइन क्या बोलते हैं, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं, मैक मोहन लाइन के नाम से जानते हैं। अब पॉइंट चेंज कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान के साथ
भारत की पाकिस्तान के साथ भारत की जम्मू एंड कश्मीर मैंने यहां ट्रिक लिख दिया है, कैसे याद रखिएगा आप लोग, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा लगती है, इस उसमें लिखिएगा इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, में होगा नेपाल के साथ, लगने वाले दैट मीन्स टच करने वाले नेपाल के साथ लगने वाले राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, वही पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट पॉइंट, म्यांमार, दैट मीन्स ये फिगर, ये है म्यांमार, के साथ लगने वाले छूने वाले राज्य हैं, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, भूटान के साथ, नेक्स्ट पॉइंट में है, भूटान के साथ भारत को, छूने वाले राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। उसी में लिखिएगा, जबकि भारत की सबसे छोटी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो एकमात्र, जम्मू एंड कश्मीर, राज्य को छूती है, जिसकी लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी तक समझ गया, हूं आप लोग कि क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, कौन कौन सीमा टच करती है, कौन जलीय सीमा है,
कौन सी नेबरिंग कंट्री है, कौन लैंड्स नेबरिंग कंट्री है, ये अभी तक आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं पॉइंट्स पे। मैंने कल बताया था आप लोग को कि मुख्य भारत आपको लिखना ये सब नहीं है, समझना है जो मैंने कल बताया था कि भारत के स्थल के दो भाग हैं, एक मुख्य भारत और एक भारत। क्लियर? उसी पॉइंट को लिखवा रहे हैं कि मुख्य भारत क्या है और भारत क्या है। चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में है जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो सबसे बड़ा एक स्थल है, जो सब आपस में जुड़े हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं बताइए आप लोग। उसे बोलते हैं मुख्य भारत। उसे क्या बोलते हैं? मुख्य भारत। ये है मुख्य भारत, दैट मीन्स मेन लैंड ऑफ इंडिया, मुख्य भारत। क्लियर हो गया कि जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात अरुणाचल प्रदेश तक के स्थल जो आपस में जुड़े उसे बोलते हैं मुख्य भारत। उसमें लिखिएगा जबकि मुख्य भारत और बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप अर्थात अंडमान निकोबार और अरब सागर वाले स्थित द्वीप अर्थात लक्षद्वीप को मिलाकर भारत के नाम से जानी जाती है तो फ्रेंड्स, छात्रगण समझ गए होंगे कि मुख्य भारत क्या है और भारत क्या है। अब आप इस मैप पे गौर कीजिए, आपको लिखना नहीं समझना है, इस मैप पे गौर कीजिए कि ये है अंडमान निकोबार। तो गौर कीजिए, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार को मैप देखिएगा तो तमिलनाडु से अंडमान निकोबार ज्यादा नीचे है, ज्यादा साउथ में है, तो इसका भी कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो अगर ये कहा जाए कि मुख्य भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी और भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, तो ये सही होगा। चलिए इस पॉइंट को लिखिए, आप लोग नोट कीजिए। मुख्य भारत की दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, भारत के नहीं, मुख्य भारत की दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि भारत का, देखिए मैं बोल रहा हूं भारत का, जबकि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन या इसे लाचिंग, जिसे पिग्मेलियन
या लाचिंग पॉइंट भी कहते हैं, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार के भी बहुत सारे डिवीजन है, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में है, लिख लिया आपने। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को लिखवाने के लिए आप उस टॉपिक को समझ लें, फिर आपको नोट सिखाते हैं। अब पॉइंट समझिए, आप यहां इस मैप पे देखिए आप लोग, उसके बाद आपको पॉइंट लिखवाई जाएगी। जैसे ये गुजरात हुआ, से तमिलनाडु, और तमिलनाडु से ये बंगाल हुआ। आप देखिए कि ये वाला एरिया पानी से घिरा हुआ है, मतलब ये अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी का पानी इस राज्यों से टच किया हुआ है, टच है। तो जब समुद्र का पानी स्थल के किनारों को टच करता है तो उसे कोस्टल लाइन, तटीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। कौन प्रदेश? तट प्रदेश। तो यहां गुजरात से लेकर तमिलनाडु और यहां जो तट है, इस तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, और यहां से यहां के बीच में टोटल जो राज्य है वो 9 है। कितने राज्य हैं? 9। मतलब भारत के तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट कितने हैं? तो 9 है। लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। लेकिन ये अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है, इसका भी तो किनारे वाला भाग समुद्र से टच है, तो ये भी तट हो गया। तो प्रश्न ये है कि मुख्य भारत का तटीय राज्य है कुल 9, जिसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, जबकि द्वीपों को जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। यद्यपि तटीय राज्य कुल 9 हैं, लेकिन 4 और यूनियन टेरिटरी राज्य भी हैं जो तटीय राज्य हैं। एक है पौंडीचेरी, एक है दादर नागर हवेली, जो भी मर्ज कर दी गई दमन दीव और दादर नागर हवेली में, और एक है अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। समझ गए होंगे आप लोग। अब इस पॉइंट को लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए आप लोग इसमें। भारत के गुजरात से तमिलनाडु, गुजरात से तमिलनाडु और तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक, और तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक एक लंबी तटीय इलाका है, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, एक लंबी तटीय इलाका है जिसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है, और उसमें लिखिएगा अभी आप लोग, और कुल तटीय राज्य, टोटल कोस्टल लाइन स्टेट और कुल तटीय राज्यों की संख्या है 9।
कितनी है? 9। जो है उसमें लिखिएगा आप लोग, जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल कितना हुआ टोटल? 9 हुआ, और पश्चिम बंगाल। उसमें लिखिएगा आप लोग, जिसमें से सबसे लंबा, जिसमें से सबसे लंबा तटीय राज्य, लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन स्टेट्स, जिसमें सबसे लंबा तटीय राज्य गुजरात है। गुजरात है, इसके पश्चात, इसके पश्चात आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान आता है। जबकि सबसे छोटा तटीय राज्य, जबकि सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है, गोवा है। कौन है? गोवा है। उसी में 9 राज्य, उसे चेंज मत कीजिएगा आप लोग अभी पॉइंट्स को, 9 तटीय राज्यों के अलावा, 9 तटीय राज्यों के अलावा 4 केंद्र शासित राज्य भी हैं। जो एक लंबा तट बनाता है वो है, वह है अंडमान निकोबार, ये तट भी है, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और दमन दीव, दादर नागर हवेली, दोनों मर्ज कर दिए गए हैं, दमन दीव, दादर नागर हवेली, 4 नाम हुआ, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमन दीव, दादर नागर हवेली, 4 हुआ। वही लिखिएगा, इस प्रकार द्वीपों सहित, दैट मीन्स विथ आइलैंड्स, इस प्रकार द्वीपों सहित भारत के तट की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कोस्टल स्टेट की लंबाई कितनी है, कितने यूनियन टेरिटरी और कितने मेन स्टेट के राज्य उस वाटर लाइन को छूते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखने से पहले समझ लेना है, उसके बाद भारत का भौगोलिक परिचय नाम का चैप्टर का लेक्चर और नोट्स दोनों समाप्त हो जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रूप में है, अब गौर कीजिए, भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व बंगाल खाड़ी, साउथ में मिलाकर बोल सकते हैं हिंद महासागर से घिरा है, साउथ में
तो जब सागर में अंडमान निकोबार है और यहां मालदीप है, इससे स्पष्ट होता है कि भारत का कब्जा या भारत का कैप्चर इलाका समुद्र में दूर दूर तक है। अर्थात हम एक पॉइंट लिख रहे हैं और उस पॉइंट्स का नाम दे रखे हैं आप लोग, जैसे हम देते हैं, जैसे उस पॉइंट का नाम है बेसिक, एक है संलग्न और एक है आर्थिक। देखिए हम तीन नाम दे रहे हैं यहां पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रादेशिक टेरिटोरियल्स वाटर बाउंड्री लाइन इसे बोलते हैं, प्रादेशिक जल सीमा इसे बोलते हैं, कंटिजियस संलग्न जल सीमा और इसे बोलते हैं आर्थिक जल सीमा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कहने का ये अर्थ है कि आखिर ये इंडिया है तो इंडिया का वाटर का इलाका में कोई तो बाउंड्री लाइन होगा, अर्थात मुख्य भूमि से भारत की जो जल की सीमा है, जो वाटर का जो बाउंड्री लाइन है उसकी दूरी है 12 समुद्री माइल, 12 ओशियन माइल, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल्स वाटर बाउंड्री लाइन, प्रादेशिक जल सीमा। तो जल सीमा कहां तक है? 12 तक ही है, लेकिन 24, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन 24 समुद्री मील तक अगर कोई व्यापारिक जहाज, ट्रेड शिप गुजरता है तो भारत को उससे टैक्स वसूलने का अधिकार है, उसे बोलते हैं व्यापारिक कर, ट्रेड टैक्स। तो भारत का व्यापारिक कर वसूलने का अधिकार कहां तक है? तो उसका उत्तर होगा 24 समुद्री मील तक, दैट मीन्स माइल तक। इसे बोलते हैं हिंदी में संलग्न जल सीमा, कंटिजियस वाटर बाउंड्री लाइन। लेकिन एक और अधिकार है 200 समुद्री माइल, कहां तक? 200 तक इंडिया जाकर ओशियन के रिसोर्स को, समुद्र के संसाधन को यूज कर सकता है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकता है, रिसर्च सेंटर खोल सकता है। उसका नाम दिया गया हिंदी में आर्थिक जल सीमा और अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं भारत की प्रादेशिक टेरिटोरियल्स वाटर बाउंड्री लाइन कहां तक है? तो 12 तक है। भारत का संलग्न जल सीमा व्यापार को कर वसूलने का अधिकार कहां तक है? तो 24 तक है। समुद्र के रिसोर्स का यूज कहां तक कर सकता है? तो 200 तक कर सकता है। इसे ही बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न जल सीमा और आर्थिक जल सीमा। आप समझ गए होंगे बच्चों, छात्रगण। अब इस पॉइंट को आप नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट मीन्स ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट। भारत के तीन ओर, नेक्स्ट पॉइंट में है, भारत के तीन ओर हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। ऐसे में भारत की प्रादेशिक टेरिटोरियल्स वाटर बाउंड्री लाइन, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री माइल, 12 समुद्री माइल तक है, 12 समुद्री माइल तक है।
जबकि भारत का संलग्न कंटिजियस भारत का संलग्न जल सीमा अर्थात व्यापारिक कर ट्रेड टैक्स अर्थात व्यापारिक कर वसूलने की सीमा 24 समुद्री माइल 24 समुद्री माइल तक है। कहां तक है? 24 समुद्री माइल तक है। परंतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप अभी लिख रहे हैं, परंतु भारत का एकांतिक आर्थिक जल सीमा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन भारत का एकांतिक आर्थिक जल की जो सीमा है वो 200 समुद्री माइल तक है। कहां तक है? 200 समुद्री माइल तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां तक भारत समुद्र के संसाधन दैट मीन रिसोर्स समुद्री संसाधन का प्रयोग कर सकता है आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकता है रिसर्च भी कर सकता है अर्थात प्रादेशिक जल सीमा 12 संलग्न जल सीमा 24 और आर्थिक जल सीमा 200 समुद्री माइल तक है। क्लियर? ये रहा आपका भारत का भौगोलिक परिचय का एक संपूर्ण लेक्चर और एक संपूर्ण नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि आने वाला चैप्टर इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ओके, थैंक यू।